गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ऑडियो विजुअल एड्स। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। ऑडियो ऑडियो इज रेफर टू साउंड वेव दैट कैन नॉर्मली बी हेडेड बाय ह्यूमन ईयर। ऑडियो जो क्या होता है, रेफर करता है कि साउंड वेव को, जो भी हम एज ए ह्यूमन हम किसी साउंड को सुनते हैं उसको हम कहते हैं ऑडियो। विजुअल इम्प्लाइज रिलेटेड टू सेंस ऑफ सीइंग। हम कोई पिक्चर देखते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं उस वो किससे रिलेटेड है, विजुअल से। एड्स एड इम्प्लाइज दोज इंस्ट्रक्शनल डिवाइस और टीचिंग एड्स विच मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। हम कोई भी इंस्ट्रक्शनल डिवाइस जो यूज़ करते हैं जिससे क्या टीचिंग हमारी इफेक्टिव बने, उसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अकॉर्डिंग टू किंजर, ऑडियो विजुअल एड्स आर मैनी डिवाइस विच कैन यूज टू मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव, मोर कंक्रीज्ड, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक। जो हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं क्योंकि हम लर्निंग को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको मोर कंक्रीट बनाने के लिए। कंक्रीट का मीनिंग होता है ठोस, हम किसी चीज़ को ठोस बनाते हैं जब। मोर रियलिस्टिक, लाइक हम उस किसी चीज़ की रियलिटी को जब हम लर्निंग करते हैं। एंड मोर डायनेमिक, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो एक फुल एनर्जी जो होते हैं वो देते हैं, एक्टिवनेस देते हैं स्टूडेंट्स को। पर्पस ऑफ एवी एड्स। फर्स्टली बेस्ट मोटिवेशन, जो एवी एड्स होते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम स्टडी के रिलेटेड लर्निंग के रिलेटेड मोटिवेट होते हैं। क्लियर इमेज, लाइक हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमारे जो उसकी इमेज हमारे डाउट होती है वो क्लियर हो जाती है। एंड वैरायटी ऑफ स्टिमुलेशन, जी हमको स्टिमुलेट करती है एज ए स्टूडेंट, स्टिमुलेट करती है इसमें। अपॉर्चुनिटी टू हैंडल, हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है। कैप्चर अटेंशन, इससे क्या स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है उसको हम कैप्चर करते हैं, अटेंशन ज़्यादा होती है बच्चों की एवी एड्स के जब हम पढ़ते हैं। रियलिज्म, लाइक हम किसी चीज़ को जब स्टडी करते हैं तो वो एक हम उसकी जो, फॉर एग्जांपल हम हार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो हम अगर हार्ट की पिक्चर देखते हैं या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें वो एक रियलिज्म लर्निंग मिलती है। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग नीड होती है तो वो एवीएड्स के जो माध्यम हैं उससे पूरी हो जाती है, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। रिफोर्समेंट टू लर्न, जो एक लर्नर है उसके में रिफोर्समेंट आता है, उसमें इंक्रेजमेंट आती है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इससे हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव ट्रांसमेंट मिलती है लर्निंग की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एवी एड्स। फर्स्ट ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो बताया गया है। विजुअल एड में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और ऑडियो विजुअल एड दोनों में क्या यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो एड्स लाइक हम सिर्फ लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फर्स्ट रेडियो, हम रेडियो के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लर्निंग सीखते हैं कुछ। टेप रिकॉर्डर, ग्रामफोन हो गया, लैंग्वेज फोन, ऑडियो सीडी, लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये सब आते हैं ऑडियो एड्स में। विजुअल एड में आता है चार्ट, हम कोई पिक्चर देखते हैं लाइक वो चार्ट में बनी हो, चार्ट, पिक्चर, मॉडल हो गए, पैनल बोर्ड, टेक्स्ट बुक जो हमारी बुक होती है, फ्लैश कार्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, मैप जो हम मैप यूज़ करते हैं, ब्लैक वाइट बोर्ड जो हम लिखते हैं, और ऑडियो विजुअल एड जहाँ पर हम सुन भी सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं। फर्स्ट LCD प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्ट, TV, कंप्यूटर, VCD प्लेयर, वर्चुअल क्लास रूम, मल्टी मीडिया, ये सब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एवी एड्स में। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवी एड्स। एवी एड्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पजफुल। जो एवी एड्स हम यूज़ कर रहे हैं
वो एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल होने चाहिए। दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट। वो एक्यूरेट मीन्स कंप्लीट और सही। एवियर्स एक्यूरेट होने चाहिए एवरी एस्पेक्ट। दे शुड बी सिंपल। एवियर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल होने चाहिए, हर एक लर्नर की समझ में आने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। दे शुड बी चीप। जो हम एवियर्स ले रहे हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। दे शुड बी लार्ज इनफ टू प्रॉपरली सीन बाई स्टूडेंट फॉर वोम दे आर मिंट। एवियर्स लार्ज होने चाहिए जो हर स्टूडेंट उसको देख ले, सीन कर सके। दे शुड बी अप टू डेट। एवियर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अप टू डेट होने चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। दे शुड मोटिवेट स्टूडेंट। एवियर्स मोटिवेट करने वाले होने चाहिए स्टूडेंट्स को। थैंक्स।